नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लेकर। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से अपडेट आना शुरू हो गया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो दिसंबर के तीसरे या फिर चौथे सप्ताह में बिहार में चुनाव होने की बात कही जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि दिसंबर के महीने में जब चुनाव होगा तो उस समय पिछली बार के भी बचे हुए 24 और नगर पालिकाओं के भी वार्ड के चुनाव साथ में कराने की बात कही जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इन सभी 24 नगर पालिकाओं में चुनाव को ध्यान में रखते हुए आरक्षण रोस्टर का कार्य यहाँ भी लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि पिछली बार 9 सितंबर 2022 को चुनाव को लेकर जो अपडेट जारी किया गया था, उसके बाद से लगातार कई जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह अब तक का सबसे लंबा और प्रभावी रहने वाला आचार संहिता है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव को लेकर लगभग तैयारी पूरी कर ली गई, लेकिन पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद से 224 नगर पालिकाओं के चुनाव पर 4 अक्टूबर को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया था, जिसके बाद से यह कहा जा रहा था कि अब कोर्ट की तरफ से चुनाव कराने का निर्णय लिया जाएगा, तभी चुनाव हो पाएगा। इधर अब राज्य निर्वाचन आयोग लगातार चुनाव से संबंधित अपडेट ले रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि बिहार में जब आचार संहिता को समाप्त नहीं किया गया तो चुनाव करवाया जा सकता है। इधर यह भी कहा जा रहा है कि नगरपालिका चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर 3 स्तरीय कमेटी के गठन की बात कही गई थी, जिसके बाद इस कमेटी ने प्रदेश के जिलों का दौरा कर लिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सरकार को अत्यंत पिछड़े वर्ग जो कि रिपोर्ट मांगी गई थी, उस रिपोर्ट के फील्ड स्टडी करने का जिम्मेवारी राष्ट्रीय एएन सिन्हा सामाजिक शोध संस्थान को दिया है। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि संस्थान और आयोग नवंबर महीने के अंत या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में यह रिपोर्ट जो है सरकार के सामने सौंप देंगे। बताया जा रहा है कि फील्ड स्टडी के रूप में करीब 50,000 से अधिक परिवारों का आंकड़ा इसमें इकट्ठा किया गया है, जिसमें करीब 22,000 से अधिक काम करने वाले कर्मचारी को मदद ली गई है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एएनसीना संस्थान की तरफ से 38 मास्टर रिसोर्स पर्सन से घर टू घर यानी कि होम टू होम जाकर जो है सर्वे करवाया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 1,050 वार्ड में जाकर आंकड़ा संग्रहित किया गया है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द इन आंकड़ों का एनालिसिस के बाद बिहार नगर पालिका के चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद से राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर के होने वाले बिहार नगर निकाय चुनाव को रद्द कर दिया था, जिसके बाद यह कहा गया कि चुनाव की तारीख घोषित की जाएगी, यानी कि आगे जो है इसके बारे में बताया जाएगा कि इन चुनावों को जो रद्द किया गया वो कब होगा। इधर हाईकोर्ट की तरफ से 86 पन्नों के अपने फैसले में कहा गया कि नगर पालिका के चुनाव में ओबीसी को गलत तरीके से आरक्षण दिया गया, आरक्षण देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 2010 के दिए गए फैसले की अनदेखी की गई, जबकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बात कही है और यही वो मामला रहा जिसके बाद चुनाव टल गया। इधर पटना हाई कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में यह कहा गया कि अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए 20% सीटों को जनरल कर फिर से जो है उसकी अधिसूचना जारी की जाए, जिसके बाद से अब एक बार फिर से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के दूसरे या फिर तीसरे या चौथे, एक तरह से कह लें कि दिसंबर पूरे अगर महीने की बात कर लें तो इस महीने में जो है ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव का अपडेट यानी कि एक बार फिर से चुनाव को लेकर जो है अपडेट जारी किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर महीने में नगर पालिका का चुनाव जो है कराया जा सकता है। हालांकि इसके लिए अभी भी कोर्ट और निर्वाचन आयोग ये सारी प्रक्रिया से सरकार को गुजरना होगा, उसके बाद दिसंबर महीने में चुनाव हो सकता है। तो ये थे बिहार में नगर पालिका के चुनाव से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।